तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएस में बैकग्राउंड्स की, कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस में बैकग्राउंड की। तो इससे पहले, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। VS Code पे और एक नई फाइल बनाता हूं CSS background नाम से, और यहां पे मैं अपनी boilerplate एंटर करता हूं और थोड़ा सा zoom करता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे, और मैं टाइटल में दे देता हूं CSS background। मैं बॉडी के अंदर एक ड्यू बॉक्स लेता हूं और इसको ओपन विद लाइव सर्वर से ओपन करता हूं, और मेरी फाइल ब्राउजर पर रन हो चुकी है। मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा डिजाइनिंग करने के लिए। अब मैं इस ड्यू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ रेड। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे नहीं आया है। इसका रीजन ये है कि मैंने इस बॉक्स की कोई भी हाइट और विड्थ डिसाइड नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ इसकी 200 पिक्सल। तो आप लोग यहाँ पे देखो, मेरा जो बॉक्स है उस पे रेड बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, इसमें हम लोग कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ येलो ग्रीन, तो आप लोग देखो इसका जो बॉक्स का कलर है वो येलो ग्रीन हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड इमेजेस। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे बैकग्राउंड का इमेज अगर हम लोग को देना है तो उसका URL यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए CSS में एक फंक्शन होता है URL, इसके अंदर हम उस इमेज का पाथ देंगे। तो मेरी इमेज IMG फोल्डर में पड़ी हुई है, और यहाँ पे फॉर्म इमेज में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे लॉगिन का। तो आप लोग यहाँ पे देखना, जो मेरी इमेज है वो कुछ इस तरीके से आई है। अब इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं बैकग्राउंड साइज, और इसको मैं करता हूं कवर। तो आप लोग देखो, जो मेरी इमेज है वो पूरी आ चुकी है। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी बढ़ाता हूं। हाइट को मैं करता हूं 900 पिक्सल और विड्थ को मैं कर देता हूं 500 पिक्सल, और आप लोग देखो कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट करके। यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू यूज करते हैं। एक है रिपीट, जो बाय डिफॉल्ट होती है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नो रिपीट, तो आप लोग देखो जो मेरा दूसरा बैकग्राउंड था वो अब नहीं दिख रहा है। बेसिकली एक ही बैकग्राउंड हम लोगों को दिखेगा। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन, और मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड पोजीशन पोजीशन डिसाइड करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। तो आप लोग देखो कि ये जो मेरा इमेज है वो इस जो पूरा बॉक्स है ड्यू का उसके मिड में चला गया है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं टॉप, तो आप लोग यहाँ पे देखो जो इमेज है वो टॉप में चला गया, और बॉटम में लिखने से ये बॉटम में चला जाएगा। यहां पे देख लीजिए। अब मैं बात करता हूं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो वैल्यू होती है, एक होता है स्क्रॉल और एक होता है फिक्स्ड। अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो स्क्रॉल बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वही रहती है। मैं यहाँ पे टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रॉल। तो आप लोग देखो कि मेरी इमेज पे कोई असर नहीं पड़ा है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ फिक्स्ड, यहाँ पे देखना जो मेरी इमेज है वो पूरी की पूरी विड्थ ले रही है इस डिवाइस की। और यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देखो कि मेरी जो इमेज है वो वहीं पे फिक्स्ड है, स्क्रॉल नहीं हो रही है।
तो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज की बात करी। अब हम लोग शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। अब मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूं और बैकग्राउंड के शॉर्ट हैंड के बारे में बात करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं बैकग्राउंड, और इसकी सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो कलर होती है। मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूं। आप लोग यहाँ पे देखो, मेरा जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और दूसरी जो वैल्यू होती है वो इमेज की होती है, तो मैं यूआरएल से अपना इमेज लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाउनलोड डॉट जेपीजी को लेता हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी इमेज आ चुकी है। और शॉर्ट हैंड में तीसरी वैल्यू होती है बैकग्राउंड रिपीट की, तो मैं यहाँ पे नो रिपीट लिखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जितनी भी मेरी इमेजेस थी वो सारी की सारी हटके केवल एक रह गई है। और यहाँ पे अगली वैल्यू होती है बैकग्राउंड पोजीशन की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। तो आप लोग यहाँ पे देखो जो मेरी इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। और अगर हम लोगों को यहाँ बैकग्राउंड का साइज देना है तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक लगाऊंगा और इसके बाद मैं लिखूंगा कवर। ये एक बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आप लोग देखो जो मेरा बैकग्राउंड है पूरी की पूरी जो स्क्रीन विड्थ और हाइट है वो ले रहा है। तो बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले एक कलर लेगा, फिर उसके बाद इमेज, और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी, और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, और ऑब्लिक लगा के बैकग्राउंड साइज की। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं और मैं अब बात करता हूं ग्रेडियंट्स की। मैं यहां पे लिखता हूं बैकग्राउंड, और इसके अंदर सबसे पहला मैं ग्रेडियंट लेता हूं लीनियर। लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली एक से ज्यादा कलर लेता है। मैं यहां पे लिखता हूं रेड और एक दे देता हूं ग्रे। तो आप लोग यहां पे देखना बाय डिफॉल्ट जो इसमें डायरेक्शन होता है उस तरीके से इसने कलर कवर कर लिया है। और इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो लीनियर ग्रेडियंट में पहला जो पैरामीटर होता है वो डायरेक्शन का होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं टू राइट। तो आप लोग यहाँ पे देखना जो मेरा कलर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो गया है। और यहाँ पे हम लोग डिग्री भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 डिग्री। और यहाँ पे देखो जो मेरा कलर है वो डायगोनल हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं रेडियल ग्रेडियंट की। रेडियल ग्रेडियंट बेसिकली सर्कल बनाते बनाते कलर फिल करता है। मैं यहाँ पे दो कलर देता हूँ, रेड एंड ग्रीन। तो आप लोग यहाँ पे देखना ये जो मैंने रेड दिया है ये मिड में एक सर्कल बना रहा है और उसके चारों तरफ ग्रीन कलर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कलर दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ ब्लैक और एक दे देता हूँ व्हाइट। तो आप लोग यहाँ पे देखना कुछ इस तरीके का मेरा बैकग्राउंड आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं रेड का साइज दे देता हूँ 5%। तो आप लोग यहाँ पे देखो इसका जो साइज है वो बढ़ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे ग्रेडियंट की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉनिक ग्रेडियंट। और यहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा कलर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड हो चुका है हमारा। मैं यहाँ पे मल्टीपल कलर भी दे सकता हूँ, ब्लैक एंड येलो। आप लोग देखो मैंने इतने कलर दिए तो इस तरीके का ये बैकग्राउंड हो चुका है। हम लोग इसका साइज भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ 5%। तो आप लोग यहाँ पे देखना इसका जो साइज है वो बढ़ चुका है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0%, तो यहाँ पे इसका साइज कम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर की बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ड्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो विथ है उसको मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ, और हाइट है उसको भी 200 पिक्सल दे देता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड रेड सेट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट हैंड की बात करी थी,
टू पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। यहाँ पर देखो एक बैकग्राउंड आ चुका है सॉलिड ब्लैक करके 2 पिक्सल का, मतलब इसकी विड्थ 2 पिक्सल है। मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की बात करता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या होता है? अभी मैंने इसमें जरा भी वैल्यू नहीं दी है, तो आप लोग देखो इसकी कुछ इस तरीके से पोजीशन है। मैं यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, तो आप लोग देखो इसका जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो चुका है। और अगर यहाँ पे हमको इसको सर्कल बनाना है तो मैं 50% देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो इसका कलर है, जो इसका साइज है, वो सर्कल हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ। मैं आप लोगों को, मैं यहाँ पे टोल टॉप में बॉर्डर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे मैं देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ टॉप में बैकग्राउंड आ गया है, और मैं यहाँ पे बॉटम में दे देता हूँ। मैंने बॉटम में लगाया तो यहाँ पे देखिए बॉटम में आ चुका है। और ऐसे ही करके आप लोग राइट और लेफ्ट में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ उसका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, एंड जो दूसरा है उसका मैं कर देता हूँ येलो। तो आप लोग देखो यहाँ पे जो लेफ्ट में बॉर्डर है उसका कलर हो चुका है येलो, एंड राइट का जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया बैकग्राउंड्स और बॉर्डर्स की सीएसएस में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। एंड हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।